हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। सी, माइटो मींस होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मींस ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर। नेम वाज गिवन बाय बेंडा। इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। शेप इज सिलेंड्रिकल एंड इट इज फाउंड इन all eukaryotic cell, but it is absent in RBC and prokaryotic cell. अब ये double membrane structure इस तरह से, ये इसकी outer membrane and जो inner membrane है, inner membrane जो होती है वो internally fold होती है। तो ये जो folding of inner membrane is called cristae और crista. इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। देखिए, एक तो कोई चीज़ अगर इस तरह से प्रेजेंट है तो अगर हम इसकी लेंथ देखें, मान लीजिए ये हो गई 10 सेंटीमीटर, लेकिन अगर कोई चीज़ इस तरह से फिट हो रही है कि है तो वो लॉन्ग लेकिन वो इस तरह से फिट हो रही है, तो उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा हो गई, यानी इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है। फोल्डिंग से क्या हो गया, इसका एरिया ज़्यादा हो गया। इट इंक्रीज सरफेस एरिया। This is outer membrane and this is inner membrane. Space between both membrane is called perimitochondrial space. ये जो space दिख रहा है, it is called perimitochondrial space. देखिए, ये सेल में जब प्रेजेंट होते हैं तो इनका नंबर वेरी होता है। ये जैसे हम देखेंगे कि इनका नंबर जो है हर सेल में डिफरेंट है, बट ये मोर देन वन होते हैं। जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ही सेल क्या है, यानी एनर्जेटिक होगी, बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी। देखिए, ये जो है इनर जो पार्ट है, जो इनर मेम्ब्रेन जिसको कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए होता है एंड 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। डीएनए एंड 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इनर जो मेम्ब्रेन है इसमें मैट्रिक्स के साइड पर इस तरह के ये ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड F1 पार्टिकल। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड F1 पार्टिकल। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, क्लियर। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीसोम। रीज़न क्या है, वाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीसोम, बिकॉज रेस्पिरेशन जो होता है यूकैरियोटिक सेल में, एरोबिक रेस्पिरेशन, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के भी किस पार्ट में होता है, ऑक्सीसोम। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बोथ हैव एंजाइम्स एंड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पर्म। अगर फंक्शन देखिए, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है एरोबिक रेस्पायरेशन करना और यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन करना। अगर फंक्शन देखें तो ATP जो प्रोडक्शन है, ATP प्रोडक्शन डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। सो दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे यूज होगी, अगर किसी भी मटेरियल का केमिकल सब्सटेंस का हाइड्रोलाइसिस होना है या कोई केमिकल कन्वर्ट होना है, तो ATP उस सब्सटेंस पर यूज़ करेगा और ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉस्फेट क्या कर देगा, दे देगा। तो ATP इस तरह से यूज़ होती है। तो ATP का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, इस F1 पार्टिकल में, ठीक है। F1 पार्टिकल में ये ATP जो प्रोड्यूस होते हैं, मोर
F1 पार्टिकल, मोर एटीपी, मोर एटीपी मींस मोर एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो इनर फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा, सिंगुलर तो हो गया क्रिस्टा वर्ड, CRISTA, और प्लूरल हो गया क्रिस्टी। क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द साइट ऑफ ऑक्सीसोम, देन यू विल राइट F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम प्रेजेंट एट क्रिस्टा, एंड व्हाट इज क्रिस्टा इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एनर्जी टू स्पर्म। माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, देखते हैं।